हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम टेन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 19 जनवरी के करंट अफेयर। आज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, जिससे कि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग टॉपिक को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी के किस तहसील का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय तहसील रखने को मंजूरी मिली है। तो इस तहसील का नाम है मुगलसराय तहसील। अब मुगलसराय से अगर मैंने नाम लिया तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि अभी हमारा अगस्त में जो अमित शाह है उन्होंने मुगलसराय जंक्शन का नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे रखा था, ठीक है। और इस समय मुगलसराय तहसील की नाम बदल करके क्या रखा गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय तहसील। तो जाहिर सी बात है कि अगर पर्टिकुलर किसी एक जगह को फोकस करके नाम चेंज किए जा रहे हैं तो कुछ तो रीज़न होगा। देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है उन्होंने अपना जो आखिरी टाइम था वह मुगलसराय में बिताया था। आखिरी टाइम में उन्होंने कहाँ बिताया था, मुगलसराय में। इस वजह से कि लोग उनके बारे में जागरूक हो कि वो कहाँ पे थे, इसके लिए नाम चेंज किए जा रहे हैं और मुगलसराय तहसील का नाम भी बदल करके क्या रख दिया गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ये कहाँ पड़ता है, तो यह पड़ता है हमारा चंदौली जनपद में। कहाँ पे पड़ता है, चंदौली जनपद में। देखिए, यहाँ से हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि क्या कि जो भी नाम परिवर्तन हुए हैं, तो आपको मैंने इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना के दिया है और अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वे सारे वीडियोस ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत से जगह के नाम चेंज, अभी आपको पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी की डेथ के बाद बहुत सारे नाम चेंज किए गए हैं, तो वो सभी आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे आपको मैं एक बता दे रही हूँ कि हजरतगंज चौराहे का नाम बदल करके अटल चौक रख दिया गया, छत्तीसगढ़ के नया रायपुर का नाम बदल करके अटल नगर रख दिया गया, ठीक है। मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन रख दिया गया, ठीक। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात आती है कि यूपी में ही 10% रिजर्वेशन कब से लागू होगा या लागू हो चुका है, 14 जनवरी से। आपसे अगर आप यूपी स्पेशल का एग्ज़ाम दे रहे हैं कोई भी, चाहे मंडी परिषद हो चाहे जो भी हो हमारा यूपीपी हो, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि 10% रिजर्वेशन यूपी में कब से लागू हुआ है, तो यह लागू है हमारा 14 जनवरी से, ठीक। यूपी का देखिए दो चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं आपका यहाँ पे समय लेना चाहूँगी, मैं आपको बता देती हूँ, एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। जैसे यूपी की एक बहुत ही फेमस योजना है हेल्प अस ग्रीन योजना। कौन सी योजना है, हेल्प अस ग्रीन योजना। इसको यूनाइटेड नेशन ने मोमेंटम फॉर चेंज अवार्ड दिया है। COP24 जो कि कहाँ पे हो रहा था, पोलैंड के कोटोवाइस में हो रहा था, वहाँ पे इस योजना को मोमेंटम फॉर चेंज अवार्ड दिया गया है। इसमें किया क्या जाएगा, इसमें किया ये जाएगा कि फ्लावर्स को रिसाइकिल किया जाएगा थर्माकोल और इत्र में। आपको पता है कि हमारा भारत एक धार्मिक देश है और यहाँ पे मंदिरों में फूल कितने चढ़ते हैं, इवन घर के मंदिरों में रोज़ फूल चढ़ते हैं, ठीक। फूल के बिना पूजा को अधूरा माना जाता है। अब वो फूल क्या होता है कि लोग पवित्र मानते हैं और उसको नदी में ही फेंकते हैं, नदियों में फेंकने से नदियाँ प्रदूषित होती हैं, ठीक। और यहाँ पे एक तरफ तो नदियों को साफ करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों की भक्ति उन्हें फूल नदियों में फेंकने के लिए मजबूर करती है। तो इस वजह से ऐसा किया गया है कि सभी फूल को एकत्रित करके उसको रिसाइकल किया जाएगा और रिसाइकल करके थर्माकोल या इत्र बनाया जाएगा, ठीक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है। तो अगर आप यूपीपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मैंने यूपी स्पेशल के लिए करंट अफेयर पढ़ाया है, जिसमें टॉप 50 करंट अफेयर मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो आप उसको ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय कौन बनी, तो पहली भारतीय बनी है विनेश फोगाट। कौन बनी है, विनेश फोगाट। किस कैटेगरी में इन्हें अवार्ड दिया जा रहा है, तो ये कैटेगरी है गोल्फर टाइगर वुड्स के साथ वर्ल्ड कॉम्बैक ऑफ द ईयर। किसके लिए, वर्ल्ड कॉम्बैक ऑफ द ईयर के लिए कैटेगरी में अभी ये सिर्फ नामित हुई है, तो इससे इसको मत कंफ्यूज करिएगा कि अवार्ड इन्हें मिला है, ठीक। अवार्ड जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो होगा 18 फरवरी मोनाको में, इसका होगा पुरस्कार वितरण। तो उसमें अगर इनको मिल जाता है तो हमारे लिए एक और क्वेश्चन होगा। फिलहाल जैसे नामित होना भी, अगर कोई अच्छा अवार्ड है तो उसमें नामित होना भी एक बहुत बड़ी बात हो, जैसे ऑस्कर में हमेशा पूछता है कि कौन सी फिल्म नामित हुई है कौन सी नहीं, ठीक है। तो उसी तरह यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑस्कर वाइल्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, ग्लेन क्लोज।
कुछ टाइम पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि द वाइफ मूवी के लिए इन्हें गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है, ठीक है, आपको याद आया होगा द वाइफ मूवी के लिए, ठीक। और अभी इन्हें मिला है ऑस्कर वाइल्ड अवार्ड ग्लेन कोच को क्लोज को, यह 71 ईयर्स ओल्ड हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार दुनिया के तेजी से बढ़ते शहरों में टॉप 10 में किस देश ने जगह बनाई है? तो भारत टॉप 10 में, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि तेजी से बढ़ते देश में टॉप 10 में कौन है, तो सभी के सभी जो शहर है वो कौन है, भारतीय शहर हैं। तो देखते हैं कि क्या बेस रखा गया और भारत के कौन कौन से शहर हैं, क्योंकि आप पर्टिकुलर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और आपको या जैसे अगर आप यूपी की बात कर रहे हैं तो आपसे ये पूछ सकता है कि दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते शहर में यूपी के किस शहर को स्थान मिला है, पूछ सकता है ना इस तरह क्वेश्चन करके। तो फिर इसीलिए आपको ये नाम भी याद रखना जरूरी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप याद कर लो कि टॉप 10 में कौन है, भारत है, ठीक। तो बेस क्या रखा गया है, बेस ये रखा गया है कि 2019 से लेकर के 2035 के बीच जीडीपी के आधार पर भारत के टॉप 10 शहर हैं, ठीक है। देखते हैं कौन कौन से, सूरत के बारे में तो हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है कि सूरत क्या है, सबसे तेजी से बढ़ते हुए शहर में दुनिया में नंबर 1 पे है। आफ्टर देन हम लोग आगरा की अगर बात करें तो आपको पता है हमारा कि आगरा क्या है, हमारा 7 वंडर्स में शामिल है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमें विदेशी पर्यटकों से जो रेवेन्यू मिलता है वो कहाँ से मिलता है, आगरा से सबसे ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो यूपी का आगरा शामिल है। इसके अलावा बंगलुरु को आप जानते हैं कि आईटी सिटी कहा जाता है। फिर है हमारा हैदराबाद, नागपुर, तिरुपुर, राजकोट। राजकोट से आपको याद आना चाहिए कि गुजरात के राजकोट में एक एम्स और जम्मू और कश्मीर में एक एक एम्स। मैंने आपको कुछ दिन पहले बनाया था कि अभी सरकार ने मंजूरी दिया है 2 राज्यों में 3 एम्स बनाने की। तो जम्मू कश्मीर में 2 एम्स बनेंगे और गुजरात के राजकोट में 1 एम्स बनेगा, ठीक है। फिर है हमारा तिरुचिरापल्ली, ये है। फिर चेन्नई एंड विजयवाड़ा, ये 10 शहर हमारे ऐसे हैं जो टॉप 10 में है, जिसमें से हमारे लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आगरा, सूरत, बंगलुरु, हैदराबाद। या फिर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पुटअप कर सकता है कि इनमें से कौन सा शहर टॉप 10 में नहीं है। तो आपको याद रखना होगा कि टॉप 10 में कौन सा नहीं है। अब बात आती है कि यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, तो हमने पढ़ लिया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसके लिए जो संस्था थी वो थी ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स। इन्होंने विश्व के 780 शहरों की अर्थव्यवस्थाओं का सर्वे किया था और उसके बाद इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो ऑब्वियस सी बात है, सपनों का शहर कौन सा, हमारा मुंबई। तो कहाँ खोला जाएगा राष्ट्रीय संग्रहालय, मुंबई में। ये जो संग्रहालय, इसमें 2 बिल्डिंग है, एक है नवीन संग्रहालय भवन, दूसरा है गुलशन महल, ठीक है, दोनों को याद रखिएगा। और ये स्थित है मुंबई के फिल्म डिवीज़न, फिल्म परिसर में यह दोनों इमारतें स्थित हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा कि उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत हुई है 17 जनवरी 2019 को, ठीक है। किसने इसकी शुरुआत किया है? तो इसकी शुरुआत किया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो ने किया है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसरो के अध्यक्ष कौन है, इस समय मैंने आपको पढ़ाया है। अब बात आती है कि उन्नति कार्यक्रम है क्या। उन्नति कार्यक्रम संबंधित है नैनो सैटेलाइट से, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है यूनि स्पेस नैनो सैटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग, ये है इसका फुल फॉर्म। और इसमें इसी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, इसमें लोगों को रिसर्च कराने के लिए, ठीक है, और नैनो सैटेलाइट के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, उन्नति कार्यक्रम। इसके अलावा इसरो का एक और मिशन है गगनयान, याद रखिएगा कि गगनयान में भारतीयों को कहाँ भेजा जाएगा, स्पेस में भेजा जाएगा, ठीक है। अभी तक इसरो ने कभी भी भारतीयों को स्पेस में नहीं भेजा है, बाकी देशों ने तो भेजा है भारतीयों को, लेकिन इसरो ने अपने स्पेस एजेंसी से नहीं भेजा है। तो ऐसा किया जाएगा कि भारतीयों को भेजा जाएगा 1 वीक के लिए। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज है हमारा स्पेस से रिलेटेड कि चीन ने चंद्रमा के पिछले हिस्से पर कपास उगाने में सफलता प्राप्त किया है और ऐसा करने वाला चीन पहला देश है। इसके पहले किसी भी देश ने चंद्रमा पर या फिर कहीं भी पौधा नहीं लगाया है और चीन ने क्या किया, इसमें सफलता हासिल किया। चीन का एक विमान था चैंग E-4, इसको भेजा था उसने चंद्रमा पर, किस लिए, रिसर्च करने के लिए, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और अब हम लोग करेंगे कल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का रिविज़न। तो देखते हैं कल का हमारा पहला क्वेश्चन था, विजन 2040 किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? तो यह जारी किया गया है हमारा नागरिक विमानन मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा?
नागरिक विमानन मंत्रालय द्वारा। इसमें क्या किया जाएगा, ऐसा माना गया है कि 2040 तक जो हवाई यात्रियों की संख्या है वो 6 गुना बढ़ के 1.1 अरब हो जाएगी। ठीक, अगला है हमारा गांधी शांति पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया, तो यो ही ससाकावा को सम्मानित किया गया है गांधी शांति पुरस्कार 2018 से। फिर हमारा कि हाल ही में गवर्नमेंट ने किस बैंक को पुनर्पूंजीकरण करने का फैसला किया है, तो एक्जिम बैंक, भारतीय निर्यात आयात बैंक एक्जिम बैंक। सक्षम 2019 वार्षिक जन केंद्रित अभियान की शुरुआत किसने किया है, तो पेट्रोलियम और संरक्षण अनुसंधान संघ ने किया है। अगला हमारा कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के कितने संस्थानों को स्थान मिला है, तो 49 संस्थानों को। ठीक, फिर हमारा कि किस तैराक ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 7 स्वर्ण पदक जीते हैं, तो श्री हरि नटराजन ने 7 स्वर्ण पदक जीते हैं। एंड हमारा अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक विमानन शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ होगा, तो मुंबई में। इसका थीम रखा गया है फ्लाइंग फॉर ऑल। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। इसके साथ साथ आपके जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं उसमें वीडियो को जरूर शेयर करें। और डेली करंट अफेयर, यूपी स्पेशल, घटना चक्र का सार, इन सभी विषयों के लिए आपको हमारे चैनल पर फ्री वीडियो क्लासेस अवेलेबल है, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके विजिट कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।